पर सिराज पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कांग्रेस पर खूब जमकर बरसते नजर आए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लिए विचित्र स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से कांग्रेस का बहुत खराब दौर चल रहा है। देश भर में ऐसा दौर न देखा होगा न कभी सोचा होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी बातें करने के बजाय कांग्रेस को चिंतन करना चाहिए और भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले उन्हें कांग्रेस को संभालना चाहिए। देखिए, विचित्र परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के लिए, और मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस का बहुत खराब दौर चल रहा है, ऐसा दौर कभी जिंदगी में उनने देखा भी नहीं और सोचा भी नहीं था। कांग्रेस पार्टी के नेता भारत जोड़ो अभियान के लिए निकले हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के 8 विधायक पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद पहले आज़ाद होकर के अपनी बात कह चुके हैं, तो ऐसे में पूरे देश भर में कांग्रेस रसातल की तरफ जा रही है। और प्रदेश बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने चंबा में प्रेस वार्ता करके कांग्रेस को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश की नेतृत्वहीन पार्टी बन चुकी है, एक ही परिवार कांग्रेस पर नियंत्रण चाहता है। यहाँ बच्चा पैदा होने पर नामकरण से पहले ही उसे भावी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया जाता रहा है, जबकि बीजेपी में गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एक ही नारा है, सरकार नहीं रिवाज बदलेंगे, और अन्य राज्यों की तरह बीजेपी बहुमत से डबल इंजन की सरकार बनाकर प्रदेश के विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने वाली है। We will have a BJP government in Himachal Pradesh for the next 5 years. We are very confident. और हमें यकीन है कि ये जो डबल इंजन की सरकार होगी, ये हिमाचल प्रदेश को जिस प्रगति की दिशा में पिछले 4 साल में जो दिशा तय की है, उसको और मजबूती मिलेगी, और हिमाचल प्रदेश भारत की उस तरक्की की जो ग्रोथ स्टोरी है उसका एक हिस्सा बनेगा और फिर और ज्यादा मजबूत होगा। और कांग्रेस के रामपुर ब्लॉक उपाध्यक्ष समेत युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव समेत कुछ और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। कांग्रेस को अलविदा करने वाले इन तमाम नेताओं का कहना है कि केजरीवाल की नीतियों और उनके कार्यों से प्रभावित होकर ये लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी अब लोग बदलाव चाहते हैं और इसलिए लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी से जुड़ने वालों में प्रमुख रूप से ब्लॉक कांग्रेस रामपुर के उपाध्यक्ष और कुट पंचायत के प्रधान रतन डोगरा, युवा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव और दत्तनगर पंचायत के उप प्रधान जॉनी कायथ और कांग्रेस ननखड़ी जॉन के पूर्व सचिव प्रकाश मेहता समेत अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा है। दिल्ली की जो शिक्षा नीति है आम आदमी पार्टी की, वो इतनी है कि जो दुनिया में उसका डंका बज रहा है। आपको शायद याद होगा, सभी पत्रकार बंधुओं को, आज से लगभग 5-6 महीने पहले शायद दिल्ली में विलियम ट्रंप आई थी, तो उन्होंने दिल्ली में आकर सिर्फ एक चीज़ बोला था कि दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है मैं देखना चाहती हूँ, केजरीवाल का जो शिक्षा मॉडल है।